आज रुद्रा के एपिसोड में आप देखेंगे शाकाल माया नगरी मुंबई को डुबाने के लिए कौन कौन सी चाल चलता है और रुद्रा अपने मित्रों को उसको बचाता कैसे है। आइए देखते हैं सीन वन। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं शाकाल, हा हा हा, जोगा सपोला। इस बार माया नगरी में मैं ऐसा जादू फैला दूंगा जिसे ना जयसिंह चौहान रोक पाएगा ना वो बच्चा रुद्रा, हा हा हा। मैं पूरी माया नगरी में नफरत फैला दूंगा, बच्चे हो जाएंगे बुरी आदतों में मस्त, झगड़े में व्यस्त, चोरी की आदत में ग्रस्त, नशे में आश्वस्त। देखता हूँ कैसे बचाता है जय सिंह चौहान अपने भावी पीढ़ियों को और कैसे बचाता है रुद्र अपने साथियों को, हा 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 हा। मेरे मैजिक से बने नू संस्कार रूपी वायरस जैसे ही मैं पूरे महानगरी में फैला दूंगा सब बच्चे बुरे बन जाएंगे। जोगा तुम चलने की तैयारी करो, तुम ही हो जो वायरस फैलाओगे, खामोश। पावरफुल सिर्फ और सिर्फ है शाकाल। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं शाकाल, हा 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 हा। अब देखो एक कुछ संस्कार रूपी वायरस कैसे काम करता है और माया नगरी में मैं कैसा जादू फैला सकता हूँ, हा हा हा। शाकाल अपने जादू से माया नगरी में बुराइयों का वायरस फैला देता है जिससे हर तरफ ओह पोह हो जाती है। कुछ बच्चे सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसी वक्त आते हैं और रुद्र उनसे मिलता है। वो बच्चों को देखकर कहता है कि उन्हें फिर से सही लाइन पर लाना पड़ेगा और कुसंस्कार हटाने पड़ेंगे। इतनी बैड हैबिट्स में क्यों पढ़ रहे हो, तुमको इतनी बैड हैबिट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। चलो ये सब छोड़ दो, अपने सिगरेट फेंक दो। अरे पता है मुझे सलाह देने वाला, चलो यहाँ से, इधर इसका संसार चैनल फिर से शुरू हो जाएगा। अभी मजा चकाता हूँ मेरे मैजिक से और तुम्हारी सिगरेट गिरा दूंगा। रुद्रा का मैजिक चल नहीं पाता और वो उससे काफ़ी उदास हो जाता है और अपने दादाजी से मिलने जाता है ताकि वो इसका कोई उपाय ढूंढ सके। क्या हो रुद्रा, तुम इतने निराश क्यों हो? दादाजी आजकल जिसे देखो माया नगरी में वो बुरी आदतों से ग्रस्त है और तो मेरा मैजिक भी उन पर काम नहीं आ रहा। रुद्रा ये सब शकल की चाल है, हमें जल्द से जल्द उसका एक सलूशन ढूंढना ही होगा। जी दादाजी। दादाजी से बात करके रुद्रा को बहुत आश्वासन और सांत्वना मिलती है। अब वो इसका कुछ उपाय सोचना चाहता है ताकि वो माया नगरी को और इसके बच्चों को कुसंस्कारों से बचा सके। तभी उसके दोस्त रंगीला और मायरा मिलने आते हैं। रास्ते में नंदनवन में राजर्षि महाशमन जी को देखा और हम दोनों उनकी ओर खींचे चले गए।
कौशल बढ़ाते हैं। पर माया नगरी में टीम कैसे तैयार होगी? माया नगरी में टीम तैयार करने के लिए सुमन जी, अनीता जी, राशि जी एवं उनकी पूरी टीम को नल नल मन से गायब करके इस माया नगरी में लेकर आ जाते हैं। ओहो, इतना सब करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साध्वी श्री, डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी, थाना जी गांधीबली भवन में विराज रहे हैं। वे ही ज्ञान शाला की शुरुआत कर देंगे और उसके साथ ही साथ वे बच्चों के टीचर्स को, पेरेंट्स को, युवक परिषद को, सभी को तैयार कर देंगे। चलो चलो, अभी चलते हैं वहाँ, क्योंकि आज वहाँ पर मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। माया नगरी में ज्ञानशाला सुचारू रूप से चलने लगी। हर जगह संस्कारों की लहर छा गई। अगर आप भी चाहते हैं कुसंगति वाले शाकाल को हराना, तो अपने बच्चों को ज्ञानशाला जरूर भेजें, अवश्य भेजें।